दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया की नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। अभी अभी सृष्टि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा निकली थी। पूरे आत्मविश्वास से भरी अपनी उड़ान भरने को तैयार सृष्टि। सनिया सृष्टि को देख बेहद खुश थी। सनिया ने अपना सिर कुर्सी पर टिका कर आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में साल भर पहले के वे दिन सत्र की भांति। सनिया अपने पति दीपक के साथ किसी काम से बाहर गई थी और सृष्टि भरी घर में अकेली थी। घर लौटी तो सृष्टि बहुत डरी हुई अपने कमरे थी। कुछ पूछो तो बता भी नहीं रही थी। सुबह उठी तो स्कूल जाने से भी मना कर दिया। बहुत पूछने पर सृष्टि ने बताया कि सासा जी आए थे और रोते रोते उसने पूरा घटनाक्रम कह डाला। सुनते ही तन बदन में जैसे आग लग गई हो। सृष्टि के सासा जी, जिनका बिना किसी रोक टोक के घर में आना जाना था, कोई शक करे भी तो कैसे करे। पिता समानी तो थे, सृष्टि के बराबर ही थे। उनकी बेटी भी है। यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को अपना भाई समझा, उसने ही अपनी बेटी समान सृष्टि के साथ ऐसा दुराचार किया था। सनिया ने पति से पुलिस स्टेशन चलने को कहा तो वह ने सनिया को ही शुभ करा दिया, कह कर कि कोर्ट कचहरी जाएंगे तो बदनामी होगी और सृष्टि से सभी की तरह के सवाल करेंगे। वो अलग, सृष्टि बहुत छोटी है अभी। इन सब सवालों के जवाब देने के लिए बात हमारे तक ही रहने दो, वरना हर बार सृष्टि को ये घटनाक्रम याद आता रहेगा। बेटी का मामला है, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है उसके आगे। मन नहीं था शुभ रहने का, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब हो ही चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो, यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख दिया। सृष्टि को समझा बुझा कर फिर से स्कूल जाने को राजी किया। स्कूल से आने के बाद में सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगे पीछे का समझाती, मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी, क्योंकि जख्म उसके तन से ज्यादा मन में लगे थे। गर्मियों की छुट्टी पर सनिया ने पहाड़ों पर जाने का प्लान बना दिया। सनिया ने आज खुली वादियों में सृष्टि को समझाने की कोशिश कि बेटा तू क्यों जा, अपने आप को सजा देने पर तुली है। जो गुनाह तूने किया ही नहीं, तू क्यों उसकी सजा अपने को दे रही है। शर्म तुझे नहीं उस दरिंदे को आनी चाहिए, मुंह तो उसे अपना सुबाना चाहिए। हम तेरे साथ थे, तेरे साथ जो भी हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। तूने तो अभी बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। अपने पंखों को उड़ान दे और दिखा दे उस इंसान को जिसने तेरे पंख कतरने की कोशिश की थी, कि तू उसके डराने से डरी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई है। भगवान ने हमें जिंदगी जीने के लिए दी है, यूं घूट घूट कर जीने के लिए, घूट घूट कर मरने के लिए नहीं। अपने में रंग सिर्फ तुम भर सकती हो। वो इंसान जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया, वो तो खुश होकर अपनी जिंदगी जी रहा और तुम अपनी जिंदगी नरक बना दी। बात सृष्टि की समझ में आ गई थी। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर अपने सूटियां एंजॉय करने लगी। स्कूल खुलते ही पढ़ाई में लग गई और इंटर की
परीक्षा प्रथम श्रेणी की थी। अभी तो सृष्टि को और ऊंची उड़ान भरनी थी, जिसकी तैयारियों में वह लगी थी।